वहां तक जाना है बस आपने। आ जाओ, वापस आ जाओ। बस 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 इतना ही चल पाते हैं बस। हाँ जी बस, तो अगर ज्यादा जोर लगाऊंगा तो हाँ पेट में थोड़ा वो रोक के अपने वो थोड़ा बस इससे ज्यादा नहीं नहीं चला जाता। ब्रिस्क हाथ ऐसे कंपेयर करो दोनों तरफ का नीजक, इस तरफ काफ़ी ब्रिस्क है बिकॉज पेशेंट को पेन है और इस तरफ वीक है। इस तरफ वीक है बिकॉज जब L4 नर्व प्रेस होती है तो थाई मसल्स में वीकनेस आती है, तो दैट इज़ वेरी क्लियर। इधर वीक है और इधर बहुत ब्रिस्क है। और राइट, लेफ्ट लेग में पेन है ना, इसको मैं अगर लिफ्ट करता हूँ तो ऐसा करने से कहाँ दर्द हो रहा है? ये लेफ्ट लेफ्ट में ही पेन हो रहा है। ठीक है, मतलब हम अपोजिट लेग को भी 30 डिग्री नहीं उठा सकते और इसको बस मुश्किल से 10 डिग्री उठा पा रहे हैं। ओके, तो जैसे आप लेटे हो किस पोजीशन में आपको सबसे ज़्यादा आराम मिल रहा है, करवट लेके? हाँ जी सर, जैसे आपकी तरफ करवट लेता हूँ हाँ, ऐसे तो रिलीफ मिलता है मेरे को ज़्यादा सर। और मान लो बाथरूम जाना हो। हाँ जी सर, कितने कदम चल सकते हो? हार्डली 10 स्टेप चलने के बाद ऐसा हो जाता है जैसे मैं गिर जाऊँगा। फिर मेरे को जैसे बाथरूम में जाता हूँ तो वाल को पकड़ के खड़ा होना। अच्छा ठीक ठीक, पैर और फंसने को हो जाती है बिल्कुल से। अच्छा, इस टांग को आप सीधा करो, लंबा करो टांग को, इसको करो सीधा। इसमें पेन आ, इसमें ठीक, फैलाओ टांग को, मतलब लंबी कर दो टांग को, मैं रोकूंगा आप लंबी करो, चलो करो लंबी। ठीक है, इसको लंबी करो, लगाओ जोर। इस ये नहीं हो रहा, कॉर्डिसेप्स वीक है। ठीक है ठीक है, ये अजय की हम MRI देख रहे हैं, ये L3 है, ये L4 है, ये L5 है और ये S1 है। तो L3-4 की जो डिस्क है वो पूरी बाहर आ गई है और ये जो नर्व्स हैं हमारी जो ब्रेन से लेग्स में जाती हैं इनको पूरा प्रेस कर रखा है। जो डायमीटर है कनाल का कम हो गया है, लेकिन पेशेंट को सिर्फ लेफ़्ट लेग में पेन है, राइट में नहीं है, वो हम एक्सियल सेक्शन पर चेक करते हैं। पहले हम नॉर्मल डिस्क देख रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो ब्लैक कलर की डिस्क है ये बिल्कुल शेप नॉर्मल शेप होती है, ये जो वाइट कलर का सर्कल है ये कैनाल है और इसमें जो डॉट्स हैं ये नर्व्स हैं, और एक नर्व आपकी लेफ्ट साइड जाती है और एक राइट साइड। ये एक नॉर्मल एनाटॉमी है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर ये डिस्क का फ्रेगमेंट पूरा बाहर आ गया है ब्लैक कलर का, और जो लेफ़्ट साइड में जो रास्ता जा रहा था जो कैनाल थी वो बिल्कुल बंद हो गई है, इस वजह से पेशेंट को लेफ़्ट में पेन है। अगर आप राइट का देखें तो बिल्कुल खुला हुआ है, इसलिए राइट में कोई सिम्टम नहीं है, लेफ़्ट में सिम्टम्स हैं। तो जैसे ही हम एंडोस्कोपली इस फ्रेगमेंट को हटाएंगे, सर्कुलेशन मिलेगा नर्व को, तो दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अजय का इंसीजन हम देख रहे हैं, जस्ट ए फिंगर ब्रेथ, जस्ट 1 सेंटीमीटर इंसीजन है, बिल्कुल क्लियर है, कोई ब्लीडिंग या कोई सोकेज नहीं है, एंड वील डू ए वेरी स्मॉल ड्रेसिंग। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ एंडोस्कोपिक टेक्निक कि इन पेशेंट्स को कोई ट्रॉमा नहीं होता है टिश्यू में, कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई हीलिंग में प्रॉब्लम नहीं है, एंड विद इन डेज दे आर एबल टू डू ऑलमोस्ट ऑल देयर एक्टिविटीज़। एंड आफ्टर द सर्जरी अगर ऑफिस ज्वाइन करना चाहें तो 2 वीक्स के अंदर ऑफिस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई लंबे बेड रेस्ट की किसी भी रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो ये लास्ट ड्रेसिंग आज हम कर रहे हैं अजय की,
और उसके बाद इनको कोई फर्दर ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है. ही इज़ ऑलरेडी डूइंग ऑल हीज एक्टिविटीज़ विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट. सो दिस इज़ द स्मॉल ड्रेसिंग दैट वी डू. अब इसके बाद किसी भी इनको फॉलोअप की भी ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट थैंक यू. अजय को पहले लेफ्ट लेग में पेन था सर्जरी से पहले, तो हम SLR करेंगे. पहले कितनी उठती थी? पहले इतनी उठती थी. इसके बाद पेन हो जाता था, नीचे से पेन शुरू हो जाता था. अब तो देखो ऑलमोस्ट 60 डिग्री हम कर रहे हैं और ये बिल्कुल ठीक है. इसको भी उठाता था तब भी लेफ्ट, तब भी इसमें पेन हो जाता था. बिल्कुल ठीक है. ये मैं दोनों तरफ हाथ लगा रहा हूँ, सब पता चल रहा है? हाँ जी. अब से कहीं सुन तो नहीं लग रहा? नहीं. पहले कुछ सुन था? इधर था सर, ये पोर्शन था. अब सारा क्लियर है? हाँ जी, अब क्लियर है. ठीक है. अंगूठा ऊपर खींचो, जोर लगाओ. वेरी गुड. मेरे हाथ को धक्का दो. ग्रेट. जुड़ी है, आप देख सकते हैं. नी जर्क बिल्कुल, यस बिल्कुल ठीक है. और एंकल जर्क पहले हम देखेंगे. राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पॉजिटिव. बिल्कुल अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है. दैट मीन्स पेशेंट का जो भी कमी थी पैर में वो सारी पूरी हो गई. आ जाओ. इनके पेरेंट्स हैं साथ में. हाँ जी. ऑपरेशन से पहले डर था? हाँ जी, बिल्कुल था जी. ऑपरेशन का डर होता है. अब कैसा लग रहा है? अब ठीक है. खुश हैं आप लोग? तो दूरबीन से जो ऑपरेशन होता है ये लेटेस्ट टेक्निक है. इससे रीढ़ की हड्डी में कोई भी डर नहीं है कि भाई कोई नस मारी जाएगी या कोई पैरालिसिस हो जाएगा या पेशाब में कोई दिक्कत आएगी. इससे हमें जो काम करना होता है बस वहीं पहुंचते हैं, आसपास कोई डैमेज नहीं करते हैं. दूसरी चीज़, यंग बच्चे हैं, इनको बाइक चलानी है, वज़न उठाना है, सारे काम करने हैं. तो अगर हम ओपन टेक्निक से काम करेंगे तो इनकी मसल और बोन कमज़ोर पड़ जाती है. तो जब अंदर कोई काट पीट नहीं होती है तो हड्डी उतनी ही मजबूत रहती है जितनी पहले थी. तो ये फायदे हैं इस चीज़ के. तो डर तो था ही सर ऑपरेशन के, मैं कोई जाना नहीं चाहता. दो महीने वेट करिए, घर से चले तभी मत मना. देसी इलाज करवाएं. आप तो उस टाइम भी परेशान थे. हैं तो एंडोस्कोपिक टेक्निक का ये फायदा है. और अजय जैसे पेशेंट्स को देखकर स्पाइन के और पेशेंट्स को भी कॉन्फिडेंस आता है कि ये कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, इसमें कोई घबराने की कोई खतरे की बात नहीं है. और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और अब ये इसको दोबारा आने की भी ज़रूरत नहीं है मेरे पास. ठीक है जी सर. वैसे कभी आना हो तो वैसे आ सकते हो. ठीक है. थैंक यू.